Hello friends, this is Sangam Fodi. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about carnosine injection. Yeah, injection carnosine. So friends, without wasting any more time, we should start the video. इस वीडियो ने सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, करता ही सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी इंजेक्शन, यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्नोसिन इंजेक्शन। फ्रेंड्स, कार्नोसिन इंजेक्शन बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, जिसका इस्तेमाल खासकर इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल में किया जाता है, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में। मतलब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल आप घर पे नहीं कर सकते हैं, पूरी तरह से इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर के सुपरविजन में किया जाता है इमरजेंसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल में ही किया जाता है, इसे घर पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, चलिए जरा इसे क्लियर कर देता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा इंजेक्शन जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन एंटी एरिथमिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने स्टम का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी एरिथमिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप अच्छी नॉलेज क्या कर सको, गेन कर सको और उसे यूटिलाइज कर सके। तो डियर व्यूअर्स, एंटी एरिथमिक कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे इंजेक्शन फॉर्म में हो, टू कंट्रोल एबनॉर्मल हार्ट रिदम। कि अगर हार्ट का जो रिदम है, हार्ट बीट, वो ज्यादा गड़बड़ हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, तो उसे जो कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन का या इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंटी एरिथमिक कैटेगरी का मेडिसिन या इंजेक्शन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे डोज होते हैं और कैसे मोड ऑफ एक्शन होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज़ों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को समर्थ लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित, काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय समर्थ लाइफ साइंस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक एम्पुल, ठीक है, 2 ml की पैकेजिंग में आती है, 2 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 221 से लेके 225 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, जो आप अपना खुद देख लेना, प्राइस आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका इसका एक एम्पुल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। कि बेसिकली ये जो इंजेक्शन होते हैं, ठीक है, कार्नोसिन इंजेक्शन, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, एडीनोसिन 6 mg पाया जाता है। मतलब 2 ml का है तो पर ml 3 mg, 2 ml तो 6 ml, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल एडीनोसिन 6 mg पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल लाइफ थ्रेटनिंग टैकीकार्डिया को ठीक करने के लिए किया था। किसी का हार्ट रिदम बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, ठीक है, उससे गड़बड़ हो गया, अब नॉर्मल हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल एडीनोसिन, ठीक है, 6 mg पाया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया कहने का अर्थ होता है कि जब हार्ट रेट जो नॉर्मल होता है, ठीक है, हार्ट बीट नॉर्मल जो होता है, ठीक है, मान लीजिए 70 से लेके 80 के बीच में होना चाहिए, लेकिन हार्ट रिदम जैसे ही
बढ़ जाए तो उसको हम टैकेकार्डिया बोलते हैं, कम जाए तो ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। तो इसमें जनरली अगर किसी का लाइफ थ्रेटनिंग टैकेकार्डिया है, मतलब हार्ट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है, जैसे 200 220 हो गया, 230 240 250 ऐसे होते जा रहा है हार्ट रेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइफ थ्रेटनिंग टैकेकार्डिया। तो उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एरिथीमिया, कभी कभी इसका इस्तेमाल डॉक्टर लाइफ थ्रेटनिंग एरिथीमिया, एरिथीमिया कहने का अर्थ होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जहां पे जान जाने की संभावना हो वैसा एरिथीमिया होगा, मतलब एबनॉर्मल हार्ट रेट है, ठीक है, हार्ट रिदम एबनॉर्मल हो गया हो, मतलब सिंपली समझिए कि हार्ट बीट आपको दिखा रहा है, ठीक है, 200 प्लस 230 प्लस दिखा रहा है, तो उस मोमेंट में दिया जाता है और उसी मोमेंट में मैंने इस्तेमाल किया है डॉक्टर के सुपरविजन में, ठीक है, तो यहाँ पे उस मोमेंट में दिया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ आर्टेरियल फाइब्रिलेशन, कि इसका इस्तेमाल आर्टेरियल फाइब्रिलेशन को भी ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन सिंपली समझिए कि इसका जो इस्तेमाल होता है मेनली, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में होता है। अगर किसी का हार्ट रेट या हार्ट रिदम या हार्ट बीट 230 या 20 क्रॉस कर जाए, एट दैट मोमेंट आपको देना होता है, उस समय देना होता है, आपको डॉक्टर के सुपरविजन में देना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझे कहाँ का इसका इस्तेमाल कहता है। मेनली समझिए किसी का हार्ट रेट लाइफ थ्रेटनिंग वाला हो गया हो सिचुएशन, ठीक है, 220 प्लस कर गया हो, ठीक है, तो उस मोमेंट में आपको देना पड़ेगा या देते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया। सिंपली समझो कि अगर किसी का हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, 220 क्रॉस कर चुका हो, ठीक है, उस समय इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि आखिर ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, कि ये काम कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही इस इंजेक्शन को लगाते हैं, ये क्या करता है, रेगुलेट्स द हार्ट बीट, ये हार्ट बीट को क्या करता है, रेगुलेट करता है बाय ब्लॉकिंग एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक सिग्नल इन द हार्ट, कि जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हार्ट में हो जा रहा है, ठीक है, उसको ब्लॉक करके हार्ट रेट को क्या करता है, मेंटेन करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है सही तरीके से काम करने के लिए। तो कुछ इस तरीके से काम करता है, सिंपली क्या करता है, रेगुलेट्स द हार्ट बीट को रेगुलेट करता है बाय ब्लॉकिंग, बंद करके किसको, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक, ठीक है, सिग्नल इन द हार्ट, की हार्ट में जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक सिग्नल जाता है उसको ब्लॉक करके। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं इसको मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी मेडिसिन एनी इंजेक्शन टू एनीवन, बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को यह इंजेक्शन नहीं दे, और खास करके तो यह इंजेक्शन और नहीं दे क्योंकि इसको डॉक्टर के सुपरविजन में देना होता है और हॉस्पिटल में ही इमरजेंसी कंडीशन में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, नंबर वन है अल्कोहल, कि अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा उसको आपको नहीं देना है। फिर प्रेग्नेंट लेडी को भी आपको नहीं देना है, जो माँ बनने वाली इन द फैमिली में है उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स, जितने भी एलोपैथिक इंजेक्शन होते हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, उसको कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर वन है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं हेडेक, थोड़ा बहुत आपको सर दर्द करेगा। फिर कहते हैं चेस्ट पेन, आपको सीने में दर्द होगा। फिर कहते हैं लाइट हेडनेस, हो सके थोड़ा बहुत आपका सर भी घूमेगा। और कहते हैं डिजीनेस, हो सके आपको चक्कर भी आएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे, आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पर दूसरे ब्रांड को सिलेक्ट करेंगे या प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ उसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। नोजिया, हेडेक, चेस्ट पेन, लाइट हेडनेस और डिजीनेस, ये इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में कि आखिर डोज देते कैसे हैं, किस तरीके से इसको दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल सिंपल से शब्दों में समझाऊं ताकि आप इसको अच्छे से क्या कर सको, दे सको। फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को देने के लिए अगर किसी को आपने किटकैट फिक्स किया है तो आप थ्री वे कैनूला ले लीजिए, थ्री वे या टू वे कैनूला ले लीजिए, ठीक है। उसमें क्या करना है कि आपको 20 ml या 10 ml आप क्या ले लीजिए, एनएस ले लीजिए, और 5 ml वाला सिरिंज में इसको अपलोड कर लीजिए, किसको, एडिनोसिन 6 mg को या कार्नोसिन इंजेक्शन को, और इसको एक से दो सेकंड के अंदर आपको तेजी से दे देना, आईवी कर देना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपने एनएस लोड किया है, ठीक है, स्टेराइल वाटर जो लोड किया है आपने, उसको भी तेजी से दे देना है, 10 ml या 20 ml दे देना। आप इस तरीके से दे सकते हैं और ये बहुत जबरदस्त तरीका है कि आप पहले तेजी से किसको पुश करेंगे, आप कार्नोसिन इंजेक्शन को जो आपने लोड किया उसको तेजी से 1 से 2 सेकंड के अंदर आपको देना होता है, तेजी से पुश करना होता है। उसके बाद आपको सामने से क्या देना होता है,
सामने से आपको 10 ml या 20 ml या 15 ml कम से कम NS आप इसमें दे दीजिए, तेजी से आई भी दे दीजिए, ठीक है। तो ये बड़ा बढ़िया काम करेगा, मतलब सिंपली समझ इसको देने के लिए आपको टू वे या थ्री वे कैनोला होना चाहिए आपके पास, ताकि आप इसको तेजी से दे सके और साथ ही साथ NS को भी पुश कर सके। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में कैसे दिया जाता, मतलब इमरजेंसी कंडीशन में SOS के तौर पर इसको दिया जाता है, आई भी दिया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आप स्पष्ट तरीके से आपको समझ में आ गए, कार्नोसिन इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, कैसे कंट्रोल इंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, और क्या इसके डोज होते हैं और किस तरीके से इसको दिया जाता है। और साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग और काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी भी मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का, थैंक यू, धन्यवाद।